हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक जगह पर बहुत सारे वैरायटी के अलग अलग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह पर रहते हैं, जिनका रहन सहन खान पान टोटली क्या होता है, अलग अलग होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो अब इन सारे ऑर्गेनिज्म को हमें क्या करना है, अलग अलग उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब हो जाएगा कि उनके फिजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उन सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, फॉर्मर एटम्स ऑफ ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स ये जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुपिंग है ये कब से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर जाके फाइनल ग्रुपिंग हुआ एक सिस्टम से। तो फर्स्ट अगर हम हिस्ट्री देखें तो फर्स्ट जो स्टार्ट किया था, हालांकि ऐसे बहुत से साइंटिस्ट ने किया है जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो एरिस्टोटल ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि अगर जो ऑर्गेनिज्म लैंड में रहते हैं, जमीन में रहते हैं उनको बताया, दूसरा जो वाटर में रहते हैं। तो इस टाइप के बताया कि जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म लैंड में रहते हैं उनको, और दूसरा जो वाटर में रहते हैं। इसके बाद जो साइंटिस्ट आया कार्ल लिनियस, उसने एक बुक लिखा अपने बुक सिस्टेमा नेचुरल। तो उस बुक में उन्होंने सारे चीज़ों को क्लियर करा कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको हम टू किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा किंगडम? तो उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म था उन्होंने टू किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन सा किंगडम था? एक था एनिमल किंगडम, दूसरा था प्लांट किंगडम। तो उन्होंने दो किंगडम में ही सारे ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। और उनके अकॉर्डिंग कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का नॉमिनक्लेचर करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए एक सिस्टम बताया कि कैसे हम नॉमिनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे द लिनियन हायरार्की फॉर मैन इज, तो मैन के लिए हम कैसे उस किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम उनका नॉमिनक्लेचर कर सकते हैं, उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि फर्स्ट किंगडम तो किस में आते हैं, किंगडम जैसे दो किंगडम था एनिमल एंड प्लांट, तो किंगडम है एनिमल को एनिमेलिया किंगडम बोलते हैं, तो किंगडम है एनिमेलिया। किस में आते हैं, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर और यूकेरियोटिक है वो सब आ जाते हैं इसमें, इस ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, उसके बाद फाइलम। फाइलम क्या होता है, क्वाड्रेटा, दैट मीन जिसमें बैक बोन होता है, वर्टिब्रेट कॉलम, दैट मीन जिसमें बैक बोन होता है उसी को सब रखा गया इसमें। क्लास क्या है, मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब क्या होगा, बॉडी में हेयर प्रेजेंट होगा और एक्सटर्नल एयर होगा। तो अगर ऐसा जिसमें भी होगा उनको सब किस में रखा गया, मैमल। नॉर्मली आप पता है मैमेलिया का मतलब होता है जो डायरेक्टली बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैमेलिया में रखा गया, मैमल्स बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, प्राइमेट। प्राइमेट का मतलब होता है अपोजेबल थंब, मतलब थंब बहुत मजबूत होता है जिससे क्या कर सके, वो अपोज कर सके, राइट। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली क्या होता है, होमिनिडा। होमिनिडा मतलब बाइपेडल मूवमेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने पैर से ही मूवमेंट कर सकते हैं उन्हीं को रखा गया इस फैमिली में। उसके बाद आता है जीनस। जीनस क्या आता है, होमो। होमो का मतलब होता है वेल डेवलप ब्रेन, जिसका ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप होता है वो सब जीनस किस में आता है, होमो में। तो इससे ह्यूमन बींग्स हो गया, चिंपैंजी हो गए, सब इसमें आ जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, स्पीशीज। स्पीशीज मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टर, तो सभी ऑर्गेनिज्म का अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पीशीज, जो सबसे डिफरेंट बनाएगा। तो इस कैटेगरी में क्या हो गया, नॉमिनक्लेचर हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन को आप देख लो कि यूग्लिना जो होते हैं उसमें
ना तो उनको प्लांट में रख पाए थे ना तो एनिमल में, क्योंकि अगर एवलिना को देखा जाए तो उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उसमें प्लांट वाली कैरेक्टर आ गया। ओके, तो प्लांट वाली कैरेक्टर आ गया, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे कि इसका जो बाकी कैरेक्टर होता है वो एनिमल्स की तरह होता है, मतलब दोनों कैरेक्टर एनिमल्स का भी है और प्लांट्स का भी है। अच्छा, ये जो फूड अगर जहाँ से भी एक्वायर करेंगे, ये ऑटोट्रॉपिकली एंड हेटरोट्रॉपिकली दोनों तरीके से होता है। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या हो जाएगा, जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करेगा उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो दूसरों के ऊपर फूड के लिए डिपेंड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप। दैट मीन्स ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, फूड खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर दूसरों से भी ले सकते हैं। ओके, अब इसके बाद कार्लस लिनियस के बाद देखा गया कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ना तो वो एनिमल में आता है ना तो प्लांट में आता है। ओके, तो उनके लिए बाद में साइंटिस्ट आया R.H. Whittaker। R.H. Whittaker 1969 में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। ओके, तो फर्स्ट क्या है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसमें। ओके, तो फर्स्ट देखो, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसका मतलब आप समझ जाओ अच्छे से, ये प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियस जिसका वेल डेवलप नहीं होता उसी को रखा गया प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस ही अच्छे से डेवलप नहीं होता या फिर मोस्टली एब्सेंट रहता है उसको रखा गया है प्रोकैरियोटिक में, और जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप हो तो उसको किस में रखा गया है, यूकैरियोटिक में। तो ये 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर दिया। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म अगर एक ही सेल से बना है हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ही सेल है। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। तो यूनिसेलुलर जैसे अमीबा, पैरामेशियम, ये सब क्या आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म, बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या फिर डॉग है, कैट है, एक्सेट्रा, ये सब आ जाएंगे उस मल्टीसेलुलर में। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, देखो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, जिसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, अपना फूड जो है ये खुद से ही प्रिपेयर कर लेता है। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। तो इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। अच्छा, अब देखो विटेकर्स का क्लासिफिकेशन कौन कौन से किंगडम में है। तो फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड है किंगडम फंगी, फोर्थ है किंगडम एनिमेलिया और फिफ्थ है किंगडम प्लांटी। एनिमेलिया मतलब एनिमल और प्लांटी मतलब प्लांट किंगडम। तो ये 5 किंगडम में सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। अब समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। कौन कौन सा, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होगा, जो सिर्फ एक ही सेल का बना होगा यूनिसेलुलर, लेकिन उसके जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं होगा। मतलब ऑर्गेनिज्म तो यूनिसेलुलर है बट उसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है। तो किस में होता है, मोनेरा में होता है। ओके, यूकैरियोट, यूकैरियोटिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है यूनिसेलुलर दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना होगा, उसमें कितना आता है, जितने भी प्रोटिस्टा है सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब देखो
प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है और मोनेरा भी यूनिसेलुलर है, दोनों में डिफरेंस क्या है? मोनेरा में जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप ही नहीं होता, लेकिन प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। अब देखो मल्टीसेलुलर को भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, किसमें करेंगे? देखो मल्टीसेलुलर को हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, एक हो जाएगा आपका विद सेल वॉल, सेकंड हो जाएगा विदाउट सेल वॉल। मतलब ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होता, सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होता प्रोटेक्शन के लिए, तो किसमें होता है? जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स के सेल के ऊपर सेल वॉल एब्सेंट रहता है। ओके, दूसरा होगा एक हो गया विदाउट सेल वॉल, दूसरा हो गया विद सेल वॉल। तो क्या होगा, जो एनिमल्स है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है और दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब सेल वॉल प्रेजेंट, इसको भी हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे प्लांटी, प्लांट किंगडम, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते लेकिन उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो किसमें होता है? फंगी में होता है। तो ये फाइव किंगडम में क्या करा, सारे ऑर्गेनिजम्स को RHBTCR करने क्लासिफाई कर दिया, टोटल जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे। ओके, अब इसे हम देखेंगे, एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे समझे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किंगडम से है और उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ओके, तो कैसे हम समझ सकते हैं? तो फर्स्ट देखो किंगडम मोनेरा, तो मोनेरा किंगडम को अगर हम देखें, किंगडम मोनेरा, तो मोनेरा किंगडम को हम कैसे पहचानेंगे? मोनेरा किंगडम, तो फर्स्ट क्या है, मोनेरा में ये जितने भी ऑर्गेनिज्म ये कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये इसका सेल वेल डेवलप नहीं होगा। सेकेंड है हेटरोटॉपिक इन नेचर, तो हेटरोटॉपिक का मतलब होता है फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होगा, खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। ओके, थर्ड क्या हो जाएगा, मोस्ट मोनेरा सेल्स हैव रिजिड सेल वॉल, मतलब उनके जो सेल वॉल होता है बहुत ही हार्ड होता है, रिजिड मतलब कठोर होता है, तो सेल वॉल बहुत ही हार्ड होता है। अच्छा, इसका मेन काम क्या होता है, ये एक डिकम्पोजर के तरह काम करते हैं, मतलब डिकम्पोज करने के लिए मोस्टली ये हेल्प करते हैं। हाँ, सेल वॉल इज प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के चारों साइड में क्या होगा, एक सेल वॉल प्रेजेंट होगा। राइट, नेक्स्ट, दे आर टिपिकली यूनिसेलुलर। अब हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें सारे के सारे क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स एक ही सेल का बना होगा। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब कितना भी खराब एटमोसफेयर क्यों ना हो सर्वाइव कर जाते। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये यहाँ पर ये गलती से ठीक है कि आ गया साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमारे सामने ये हैं, ठीक है, ये सब बैक्टीरिया हैं, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई ये बैक्टीरिया है, बेसिलस एंथ्रासियस ये बैक्टीरिया है। ठीक, तो ये था मोनेरा किंगडम। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला किंगडम कौन सा है, तो नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। इसके पहले हम एक चीज रिमेंबर आपको याद रखनी है कि इन अ ग्राम ऑफ फर्टाइल सॉइल वी हैव अराउंड 100 crores एंड इन अ मिलीलीटर ऑफ मिल्क वी हैव 3000 crores ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर हम थोड़ा सा भी मिट्टी ले लें, ठीक है, थोड़ा सा भी ये 1 gram मिट्टी, उसमें से 100 crores ये ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ओके, दैट मीन्स ये जो बैक्टीरिया है 1 gram सॉइल में कितना हो सकते हैं, 100 crores हो सकते हैं, और 1 milliliter मिल्क में
3000 करोड़ बैक्टीरिया हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कौन से, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या है फीचर्स देख लेते हैं। ये तो सारे के सारे पहले तो क्या होगा, यूनिसेलुलर, एक सेल का बना होगा, और मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होता है ये, एक्वाटिक होते हैं, मतलब ये वाटर में मोस्टली प्रेजेंट होता है। अच्छा, इस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इस ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, यूनिसेलुलर, एक ही सेल का बना होगा। ओके, अच्छा, इस ऑर्गेनिज्म के जो न्यूट्रिशन होगा वो ऑटोट्रॉपिक या फिर हेटरोट्रॉपिक, दोनों में से कोई एक हो सकता है, फूड खुद प्रिपेयर भी कर सकता है या फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हो सकता है। इनके जो लाइफ प्रोसेस है वो सेल के अंदर ही पूरा होता है, सेल के थ्रू ही होता है पूरा सारे चीजें। ओके, दैट मींस अगर उनको फूड को मतलब क्या इंटेक करना है तभी सेल के थ्रू, उनको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तभी सेल के थ्रू ही होता है। अच्छा, इनका जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअली या फिर असेक्सुअली किसी भी मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकता है। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होगा कि बॉडी के किसी पार्ट से, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गया उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, मतलब बॉडी किसी पार्ट से बनेगा वो हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल जिसमें टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ओके, अब इनके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अमीबा, अमीबा पैरामशियम, ठीक है, एंटामीबा, तो ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। ये सब किस में आ जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट किंगडम क्या है, किंगडम फंगी। अब फंगी या फिर फंजाई, ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, इस किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है। ओके, तो देखो, फर्स्ट है, दे आर यूकेरियोटिक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट क्या है, ये ऑर्गेनिज्म यूकेरियोटिक होगा, इसका मतलब होगा उनका सेल जो है, सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा। सेकेंड क्या होगा, मल्टी सेलुलर, मतलब इसके जो सेल होंगे बहुत सारे सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म बना होगा। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे लेते होंगे, हेटरोट्रॉपिक, इसका मतलब है खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अच्छा, सेकेंड है, दे आर सेप्रोब्स और सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, सेप्रोफाइट का मतलब होगा जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सेप्रोफाइट्स। ओके, नेक्स्ट है, मोस्ट फंगी आर फिलामेंटस, दे आर नेटवर्क्स फिलामेंट्स एंड दैट आर कॉल्ड माइसिलियम। क्या जाते हैं इसमें, कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एब्सेंट होता है, मतलब ये खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद फंगी रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअल और असेक्सुअल, मतलब दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन या फिर चिटिन, अब बोल सको जो भी बोलो, तो ठीक है, ये काइटिन के बना होता है, जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल बना किससे होता है, काइटिन की बना होता है। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ऑयल, ये ऑयल या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करते हैं, अपने बॉडी में फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये है, सबको पता है ये मशरूम, तो मशरूम क्या है, फंगस है, फंगी होता है। ओके, ये फंगी है। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल देख लो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मोस्टली म्यूकर, ईस्ट, एग्रिकस, राइजोपस, ये सब क्या होता है,
फंगस है। कुछ एग्जांपल देखो, ऐसा दिख रहा है आपको, ये राइजोपस है, ये पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सब क्या है, फंगस के स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप के फंगस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी, प्लांटी मतलब प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के बारे में क्या क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट किंगडम और मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक फॉर्म, मतलब जितने भी प्लांट किंगडम में है वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल का बना होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल का बना होगा। अच्छा, उसके बाद ये सारे के सारे क्या होगा, यूकेरियोटिक, मतलब इनका सेल का जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप होगा। अच्छा, इनका इसके सेल, इसमें प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल, मतलब सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। अच्छा, दे हैव कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन प्लास्टिड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है उनको हम क्या, या तो हम क्लोरोफिल बोलते हैं या फिर क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड। ओके, जो क्या होता है, प्रेजेंट होता है प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट है, जिसके थ्रू क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, अब आता है रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं प्लांट, क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल या फिर असेक्सुअल, दोनों मेथड से क्या कर सकते हैं अपना रिप्रोडक्शन। अच्छा, प्लांट जो फूड को स्टोर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। दे आर ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होगा, भी अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेगा, दैट मीन्स ये ऑर्गेनिज्म सब कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं या फिर पैरासाइटिक होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हो, जैसे कैस्कटा है, पीचर प्लांट है, ये ओके, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो क्या करते हैं, या तो पैरासाइटिक होंगे या फिर हेटरोट्रॉपिक नेचर होंगे। ओके, किस टाइप का देखते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, ये पूरे ओके, ये जो है पूरे ये प्लांट्स हैं, ये सब प्लांट किंगडम में रखा गया है, सारे जितने भी देख रहे हो आप सब प्लांट किंगडम में। बट यहाँ पर दो एग्जांपल अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये देखो पीचर प्लांट और कैस्कटा, तो ये क्या करते हैं, छोटे इंसेक्ट, ओके, इंसेक्ट को क्या करते हैं, जैसे देखो इस टाइस के अंदर फंस गया तो क्या कर ले, ये मर जाएंगे, और इसमें से अपना जो भी मिनरल्स वगैरह लेना होगा इनसे लेते हैं। सेम होता है कि इसमें आपको दिख रहा होगा पिचर प्लांट में भी सेम होता है, जैसे इसके अंदर में यहाँ पर कोई भी मान लो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर चला गया है, छोटा सा इंसेक्ट इसके अंदर चला गया, ऊपर वाला जो है पार्ट है क्या हो, बंद हो जाता है और वो क्या चला जाता है, अंदर चला जाता है। ओके, जैसे ऑर्गेनिज्म अंदर जाएगा तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे कवर कर देगा ये पूरा, ऐसे जैसे कवर हो जाएगा फिर अंदर मर जाएगा, उससे जो भी न्यूट्रिशन है मिनरल्स है वो ले लेंगे। तो इस टाइप के भी कुछ प्लांट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें फ्लावर होते हैं उनको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सीड विदाउट कवर, मतलब ऐसे सीड जिसके ऊपर किसी भी टाइप का कवर नहीं होता, तो किसमें आता है वो, जिम्नोस्पर्म में आ जाता है, जिसमें एग्जाम्पल में साइकस। तो साइकस जो प्लांट्स होते हैं उनके सीड के ऊपर, सीड के ऊपर कोई कवर नहीं होता, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या, जिम्नोस्पर्म भी बोल सकते हैं, जिम्नोस्पर्म। ओके, दूसरा क्या जाता है, सीड्स विद कवर, मतलब ऐसे सीड जिसके ऊपर कवर होता है उनको हम क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म, जिसके ऊपर जो सीड होते हैं उसके ऊपर कवर होता है। अच्छा, अब देखो इनको हम क्या कर सकते हैं,
अच्छा देखो, एंजियोस्पर्म को हम क्लासिफाई कर सकते हैं टू पार्ट में, एक होता है डाइकॉट और एक होता है मोनोकॉट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म डाइकॉट मोनोकॉट है, फुल फॉर्म क्या है इसका अगर लिखोगे तो डाइकॉटिलिडन एंड मोनोकॉटिलिडन। तो डाइकॉट प्लांट मतलब कैसा प्लांट होता है, तो डाइकॉट प्लांट जितने भी बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ओके, वो सब किस में आता है, डाइकॉट मतलब जिसमें इस टाइप के लीव्स होता है, आपने ये दूसरे छोटे क्लास में पढ़ा होगा, इस टाइप का लीव्स होता है, राइट। तो ये जो होते हैं किस में होता है, ये सब डाइकॉट प्लांट में होता है। मोनोकॉट प्लांट में कैसा होता है, मोनोकॉट प्लांट में ऐसा ये इस टाइप का, ऐसे पैडी में होता है इस टाइप का, ये इस टाइप का लीफ आपको दिखेगा, वो किसमें दिखेगा, मोनोकॉट में, जैसे वीट एमेज इस टाइप का आपको दिखेगा, अरेंजमेंट दिखेगा। दैट मींस ये जो अरेंजमेंट हो किसमें दिखेगा, डाइकॉट प्लांट के लीफ में, और इस टाइप का अरेंजमेंट किसमें दिखता है, ये मोनोकॉट प्लांट के लीफ में, ऐसा अरेंजमेंट आपको दिखता है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स को भी डिवाइड किया, पहले किसमें करा गया, जिसके ऊपर सीड के ऊपर कवर प्रेजेंट है उनको अलग किया गया, और जिनके ऊपर सीड के ऊपर कवर नहीं है उनको अलग किया गया। जिनके ऊपर कवर नहीं है उनको क्या बोला गया, जिम्नोस्पर्म, एग्जांपल में साइकस। सीड के ऊपर कवर होता है एंजियोस्पर्म, इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन। ओके, नेक्स्ट है एनिमल किंगडम या फिर किंगडम एनिमेलिया। तो एनिमल किंगडम के बारे में क्या क्या है तो देख लेते हैं, और इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब कैसे होंगे, मल्टी सेल, बहुत सारे सेल्स का बना होगा, यूकेरियोटिक मतलब इनका सेल वॉल तो एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। यूकेरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। अच्छा, हेटरोटॉपिक का मतलब होता है जो दूसरों के ऊपर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल नहीं होता। अच्छा, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। दे शो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, दस कैन मूव एंड शो लोकोमोशन। जैसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हम अपने मसल्स को ऐसे हाथ पैर को हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसका है ना, हाथ को हिला सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है इसलिए, ठीक है, मसल्स के लिए होते हैं। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो लोकोमोशन का मतलब होता है अपने पोजिशन को चेंज करना, मान लो कहीं एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है एक जगह पर, कुछ टाइम बाद वो चल के दूसरे जगह चला गया, तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो मसल्स हैं वो क्या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हो सकते, मतलब एक बार एक क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट होगा एक बार रिलैक्स हो, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, ऐसे हो सकते हैं, और जो एक जगह दूसरे जगह जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दे आर लॉजिकली कंज्यूमर। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं किसमें, एनिमल किंगडम में, वो सब कंज्यूमर होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द मेन प्रोड्यूसर्स बाय मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल में वो क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है, नर्व सिस्टम होते हैं। नर्व सिस्टम का मतलब होता है जिसके थ्रू हम बॉडी के हर पार्ट्स को हम कंट्रोल करते हैं, यानी हर जगह जो इंफॉर्मेशन हमें भेजना होता है या फिर कलेक्ट करना होता है वो नर्व सेल्स के थ्रू होता है। किंगडम है एनिमल किंगडम में सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा, अब देखो एनिमल किंगडम को भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम एनिमल किंगडम को भी हम क्या करें, क्लासिफाई करें, तो किस किस बेस पे कर सकते हैं,
विद वर्टिब्रेट कॉलम मतलब जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होता है, विदाउट वर्टिब्रेट कॉलम मतलब जिसमें बैकबोन एब्सेंट होता है। तो देखो विदाउट वर्टिब्रेट कॉलम में क्या क्या आ जाता है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में बैकबोन नहीं होता, लिच, मॉस्किटो, स्नेल, एंट, टेफवॉर्म, ये सब आ जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बैकबोन यानी वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, इनमें क्या होता है वर्टिब्रेट कॉलम एब्सेंट होता है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म देखेंगे जिसमें वर्टिब्रेट कॉलम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट क्या, इसको भी हम टू पार्ट में डिवाइड कर दिए, हेयर प्रेजेंट ऑन स्किन जिसकी स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट है, दूसरा जिसकी स्किन के ऊपर हेयर एब्सेंट है। तो स्किन के ऊपर हेयर किसके होते हैं, मैमल्स के होते हैं, किसके होते हैं, मैमल्स के, जैसे मैन, उसके बाद लायन, कैट, काउ, बैट एक्सेट्रा। तो ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट होता है। दूसरा हेयर एब्सेंट किसके ऊपर होता है, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, इनके ऊपर क्या नहीं होता, हेयर्स नहीं होता। ओके अब देखो इसको भी हम टू पार्ट में फिर से डिवाइड कर सकते हैं हेयर के, ये होगा फीदर्स प्रेजेंट इन स्किन। ओके तो यहां पर देखो फीदर्स प्रेजेंट इन स्किन मतलब स्किन के ऊपर फीदर्स किसके प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स के, तो बर्ड्स के ऊपर फीदर्स होता है। फीदर्स एब्सेंट ऑन स्किन आ गया जिसके ऊपर में क्या, फीदर्स नहीं होता, ठीक है। अच्छा उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं स्किन विथ मॉइस्चर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर मॉइस्चर होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर मॉइस्चर नहीं होता। तो मॉइस्चर किसके ऊपर नहीं होता, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में क्या आता है, लिजर्ड, स्नेक, टॉर्टोइस, ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके स्किन ड्राई होता है, मॉइस्चर नहीं होता। लेकिन स्किन मॉइस्चर किसके होते हैं, फिश, एम्फीबियंस, फिश एम्फीबियंस की स्किन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अब देखो इनको भी कैसे क्लासिफाई किया गया, स्किन विद स्केल्स किसके होते हैं, फिश के स्केल्स होते हैं, अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा, स्किन विदाउट स्केल जैसे एम्फीबिया, एम्फीबिया के जो होते हैं जैसे फ्रॉग है, तो ये सब आ जाते हैं एम्फीबिया में। तो इसमें क्या होता है, जो स्केल है इनके बॉडी में एब्सेंट होता है। तो इतने कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नीड एंड प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म को तो हमने क्लासिफाई कर दिया, पहले दो किंगडम था, फिर उसमें पांच किंगडम में बढ़ गया, अभी इतने सारे एक किंगडम में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इन सारे ऑर्गेनिज्म को हम पहचाने तो कैसे पहचाने, उसके लिए एक नेमिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें से हम क्या कर से इजीली हम उनको पहचान सके। मोस्टली क्या होता है, एक ही टाइप के, जैसे एक छोटा सा चिड़िया है, इसको अलग अलग जगह, अलग कहीं पर गुरैया, कहीं पर दूसरे से अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, है ना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पर उनके अलग अलग नेम होता है जिसके लिए पहचानना मुश्किल होता है। तो साइंटिस्ट ने इसके लिए सोल्यूशन क्या निकाला कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सके, उसको हम पहचान सके, जो पूरे जितने भी कंट्रीज है हर जगह वो एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए लिनियस ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म को टू नेम में डिवाइड कर सकते हैं, टू नेम होगा जिसमें टू नेम के अकॉर्डिंग हम उनका नेम रखेंगे, कितने, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब इसमें टू नेम होगा। टू नेम होगा कौन कौन सा होगा, तो फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट नेम लिखा जाएगा वो जीनस का होगा, किसका, जीनस, पहला होगा जीनस का, और लास्ट वाला नाम किसका होगा, स्पीशीज का। ये दो नाम होगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे ऑर्गेनिज्म का दो ही नाम होगा, पहला वाला जीनस, सेकेंड वाला स्पीशीज का। जैसे ह्यूमन का क्या है, होमो सेपियंस, तो होमो क्या हो गया, जीनस, सेपियंस क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। ओके सेकेंड क्या है, फर्स्ट लेटर
जो जीनस का लिखा जाएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाए, किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। बाकी सारे लेटर्स किसमें लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में। इसका मतलब जो जीनस का सिर्फ पहला लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखना है पूरे नेम को। अच्छा, नेम को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हम नेम लिखने के बाद अंडरलाइन कर देंगे उसके नीचे, या फिर हम उनको इटैलिक्स में लिखेंगे। ये दो तरीका से लिख सकते हो, या तो नेम लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर दो या फिर इटैलिक में लिखो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम, हम देखते हैं क्या क्या है। देखो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हमने लिया है, जैसे फ्रॉग, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। अब आपको पता है कि दो नेम होता है, तो राना क्या है इसका, राना जो है हो गया इसका जीनस, और टिग्रीना इसका स्पीशीज। लायन का क्या है, पैंथरा लियो इसका नाम है, क्या है, पैंथरा लियो। स्पैरो का पैसर डोमेस्टिकस, क्या है, पैसर डोमेस्टिकस। मैन का होमो सेपियंस। ओके, तो पहला वाला जो नेम जिसका भी आ रहा है, देखो पहला वाला नाम सबका जो भी नेम दिख रहा है वो सब क्या है, जीनस का नाम है, और सेकंड वाला उसकी स्पीशीज का है। मैंगो का क्या है नेम, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ओके, अच्छा चलो और कुछ देख लेते हैं, और कुछ साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। तुलसी, तुलसी का क्या है, ऑसिमम टेनुफ्लो टेनुफ्लोरम, ऑसिमम टेनुफ्लोरम, ये क्या है, तुलसी का नेम है। पोटेटो का क्या है, सेलेनम टूबेरसम, क्या है, सोलेनम टूबेरसम है। नीम का एजाडी रेक्टा इंडिका, एजाडी रेक्टा इंडिका किसका नाम है, नीम का। लेपर्ड का क्या है, लेपर्ड का हो गया पैंथरा पार्डस, पैंथरा पार्डस से लेपर्ड का हो गया। टाइगर का क्या हो गया, पैंथरा टाइग्रिस। ओके, टोमेटो का क्या हो गया, सोलेनम सटाइबम। तो ये कुछ नेम है, ओके, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका साइंटिफिक नेम ऐसे है। तो सेम ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका टू ही नेम होगा नॉमिनोमेनक्लेचर में, जिसमें फर्स्ट वाला नाम किसका होगा, उसका जीनस का होगा, और सेकेंड वाला जो होगा